आई और जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर जो जो प्रेरणा स्थल है मानवर कांशीराम साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए, जहाँ पुरुषों की तादाद बहुत तादाद है, वहाँ महिलाओं की भी तादाद बहुत है। आई हम जानकारी लेते हैं, हमारे बीच में है नीलम सिंह जी, उनसे हम जानकारी लेते हैं कि आज का यहाँ आने का क्या तात्पर्य है। नीलम सिंह जी, आपका यहाँ आने का आज क्या मतलब है? सर, जय भीम, नमो बुधाय। और आज आने का यहाँ पे मेरा जो उद्देश्य है, आज साहब कांशीराम की पुण्यतिथि है और उन्होंने हमारे देश के हजारों करोड़ों दलित मजलूमों को नई जिंदगी देने का काम करा है। इसलिए मैं जिंदगी से मेरा तात्पर्य ये है कि मतलब जैसे कि हम लोगों पर राजनीतिक रूप से हम लोग कितने पिछड़े हुए थे, तो वो हमें एक रास्ता उन्होंने दिया ताकि हम उस रास्ते पे चलकर अपने लिए सत्ता में जगह बना सकें और हमें मांगना ना पड़े, हम खुद देने वाले बन सकें। मतलब मानवर कांशीराम साहब ने कहा था कि हम मांगने वाले नहीं, देने वाले बने। जी हाँ, तो मैं ये समझती हूँ कि हम सभी को एक सोच के तहत काम करना चाहिए और जो साहब कांशीराम ने BSP बाम से BSP DS4 इन सब पर गठन करा और सिर्फ इनका उद्देश्य यही था कि जो हमारे देश में दलित पिछड़े मजलूम लोग हैं उनको स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार मिले और वो भी एक इंसान की तरह जी सके, उनको के साथ जो भेदभाव होता है सदियों से वो सब ना हो उनके साथ। उस राह पे चलते अगर हम रहे तो ज़रूर हमें एक ना एक दिन मान सम्मान की ज़िंदगी मिलेगी। और जिसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ, एडवोकेट ललिता चौधरी हैं जो आज यहाँ आई हैं। हम महिलाओं को तो ऐसा अधिकार ही नहीं था और यहाँ पर अधिकार दिलाने वाले हमारे जो महापुरुष पैदा हुए हैं समय समय पे, उनमें से एक महापुरुष मान्यवर कांशीराम साहब भी हैं।